Bonjour les étudiants, comment ça va? I hope you all are doing your work on time, taking care of yourself and your family members, okay, and enjoying at home also. So children, this is a very precious time you have got by God. So please give importance to your family, your studies. You can do wonders इन दिस स्पेशियस टाइम. आई एम टेलिंग यू, आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए. ओके, सो वाई नॉट टू लर्न न्यू लैंग्वेज, प्लीज़ कंटिन्यू. ओके, सो हमने ऑलरेडी एक चैप्टर फिनिश कर दिया है, नेक्स्ट चैप्टर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ. सो दिस इज़ आर फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडे. As you can see, lesson 1, yun boom. What is boom? Yun boom, a party. Party sabko pasand hai. Okay, so we will learn about new vocabulary words. Ab is saal aapko jo words pehle diye jaate the book mein, wo table nahi diya hua hai. लास्ट में ज़रूर आपको वर्ड्स दिए हुए हैं डिक्शनरी जैसे, लेकिन हर चैप्टर के बाद टेबल नहीं दिया है. तो आपको क्या करना है, खुद से ही फाइंड आउट करना है. सम वर्ड्स आई विल टेल, जहां आपको खुद नहीं बन रहा है प्लीज़ परचेज अ कोलिंस डिक्शनरी, नहीं है तो आप इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, आई हैव ऑलरेडी मेड द PDF फाइल ऑफ दिस चैप्टर एंड आई हैव शेयर इन द ग्रुप, प्लीज़ हैव अ लुक. वो देखिएगा. और मैंने आज का जो रिटर्न वर्क है, जो भी वर्क आपको नोटबुक में करना है, उसकी भी PDF फाइल सेंड की हुई है, तो प्लीज़ हैव अ लुक. ओके, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस अनसीन पैसेज एंड ग्रामर पोर्शन. चिल्ड्रन, सम पार्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, लाइक ओ टेलीफोन एंड द टेलीफोन एंड कंजंक्शंस. ये आपको याद है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्रेंच में टेलीफोन नंबर को हम कैसे बोलते हैं, टू डिजिट्स में डिवाइड करके एंड देन वी से. एंड कंजंक्शंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, पास्क ए मे क्वा सी स पुई ओ डोंग, इनके मीनिंग एंड इनकी यूसेज. तो ये आपको वर्क करना है. ओके, एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, स्टार्टिंग में लिखा है रैपले ग्रामित्व को. इट मीन्स ये आपको एक बार रिवाइज करना है, तो अपनी क्लास 6th की बुक उठाएंगे आप, ठीक है, और 6th की मतलब 7th की बुक उठाएंगे. उसमें हमने आर्टिकल्स किए हैं, आपको पता है डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. देन रेगुलर वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स, वो भी मैंने बताया है. रेगुलर वर्ब्स ER एंडिंग है, इरेगुलर वर्ब्स में RE और IR एंडिंग आते हैं. देन एडजेक्टिव पजेसिव, आई होप यू रिमेंबर एडजेक्टिव पजेसिव. मोमा मे तो ताते नहीं है तो टेबल फिर से खोल के देखिए. ले एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव, ये हमने किया है क्या, नहीं, इसको अभी छोड़ेंगे, मैं बता दूंगी आपको. जो किया है वो हम करते जाएंगे. इंट्रोगेटिव भी नहीं किया है. ले एडवर्ब द क्वांटिटे ले नॉम द कॉर्डिनो ए ऑर्डिनो, ये हमने किया है. ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनो नंबर दोनों ही किए हैं, तो ये हम करेंगे, ठीक है. एडवर्ब द क्वांटिटी कौन सा आ गया, जिसमें क्वांटिटी रहती है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है. सम, सम वाला, तो ये हम इसे भी करेंगे, ठीक है. तो एक बार इसे रेफर करिए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो आपको करना पड़ेगा. नाउ इन दिस पेज, पेज नंबर 17, ओके, लॉन्ग SMS, SMS की लैंग्वेज हर जगह अलग होती है, ठीक है. एब्रिविएशंस हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी जब आप SMS टाइप करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. सिमिलरली फ्रेंच में भी कुछ वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है. तो ये आपको लर्न करने हैं, बिकॉज इस चैप्टर में आपको मैसेज क्रिएशन भी है. आपको अपने फ्रेंड को या किसी फैमिली मेम्बर को मैसेज क्रिएट करने के लिए मैं आपको दूंगी, और आपको एब्रिविएशन के हेल्प से वो मैसेज क्रिएट करना है. तो ये मैंने कॉपी में नहीं किया है, आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे लर्न जल्दी होता है, ठीक है. तो ये आप देखेंगे एब्रिविएशंस दिए हुए हैं और ये हमें याद करना है, फाइन. नेक्स्ट जो है, एक चीज़ और है मैं आपको बता दूँ, ला मेजिस्क्यूल और ला मिनिस्क्यूल. चलिए ये हमें कॉपी में करना है, ओके, कैपिटल और
स्मॉल लेटर्स, ये हम कैसे करेंगे, आप सिंपल वे में कर सकते हैं। मैं आपको एक काम करूँगी, आज एक्सप्लेन कर देती हूँ, टुमारो आई विल शेयर वन वर्कशीट विथ यू, उसमें आप लिख लीजिएगा कि किस तरह से हमें यूज़ करना है। ओके, मैजिस्क्यूल कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ये जैसे हम इंग्लिश में करते हैं नाम के आगे कैपिटल लगाते हैं, डे के आगे, ओके, प्लैनेट्स के आगे, लेकिन फ्रेंच में हर जगह कैपिटल यूज़ नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है, इंग्लिश की तरह नहीं है ये। तो कहाँ पे कैपिटल वर्ड्स यूज़ होते हैं, पहले तो देखिए लिप्रोनोम्स एले सरनोम, ये मैंने बताया है, फर्स्ट लेटर ऑफ योर इनिशियल नेम एंड द होल लेटर्स ऑफ योर सरनेम, वो कैपिटल में होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लेसेस, सिटीज़, रीजन्स, इनके नाम के आगे जो भी हम लगाएंगे उसमें कैपिटल होगा। देन बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बिगिन होगा इंग्लिश के तरह वहाँ पे होगा। देन प्रॉपर नेम्स हैं, अगर कोई प्रॉपर नेम है किसी का भी, ओके, तो उसमें होगा। देन ऑनररी टाइटल्स और पोलाइटनेस, यस, इसमें भी हम जैसे मदाम, मिस यू, मजिस्ते, प्रेसिडेंट, इनमें हम कैपिटल लेटर्स लगाएंगे। देन प्लैनेट्स, स्टार्स, जोडियक साइंस, इनमें भी हम कैपिटल लेटर्स लगाएंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिक ब्रांड्स, कैपिटल लेटर्स। अब कहाँ पे कैपिटल नहीं लगेगा, स्मॉल लगेगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये देखेंगे हम। प्रोफेशन, कभी भी प्रोफेशन के आगे आप कैपिटल लेटर नहीं लगाएंगे, हमेशा स्मॉल लेटर्स लगेंगे। देन डेज, मंथ्स एंड सीजन्स में कैपिटल यूज़ नहीं होगा, स्मॉल होगा। लैंग्वेजेस, नेशनैलिटीज़, स्मॉल। एंड कॉमन ज्योग्राफिकल नेम्स लाइक लाक, लेक, मैर, सी, माउंटेन, माउंटेन, इनके आगे भी हमेशा स्मॉल लेटर लिखेगा। तो ये आज एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, कल इसकी वर्कशीट सेंड करूँगी तो आप इसे कॉपी में करिएगा। ओके, नाउ वी विल रीड दिस पैसेज क्विकली। एंड आई हैव मेड सम वोकैबुलरी लिस्ट फॉर यू फ्रॉम दिस अनसीन पैसेज, तो वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, उसको देख के आप इजीली समझ सकते हैं। सी द मेन लाइक समरी, मैं एक एक रीड नहीं कर रही हूँ आपको लाइन, बट मेन समरी मैं आपको इसकी बता देती हूँ कि देर इज़ अ गर्ल कैरोलिन, शी इज़ ऑर्गेनाइजिंग बर्थडे पार्टी, ओके, एंड हर पेरेंट्स हैज़ गिवन द परमिशन टू इन्वाइट हर फ्रेंड्स, so she is sending the invitation on telephone, okay, to their friends. Now she is going to have it on Saturday 4 PM, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा इसका क्या बोलेंगे हम कि समरी है, एंड उसमें लिखा है कि उसने अपना रूम को अरेंज किया है, देन हर मदर इज़ प्रिपेयरिंग डिलीशियस डिशेज, देन शी इज़ हेल्पिंग हर मदर एज़ वेल, उसके जो फादर हैं उसने एक बिग केक एनिवर्सरी के लिए ऑर्डर किया है, ओके, एंड चॉकलेट केक उसे बहुत पसंद है, चॉकलेट केक, एंड शी हैज़ बोरो एम्पूंट मीन्स बोरो सम डिस्क, ओके, सीडीज, रॉक, जैज एंड ट्रैप म्यूजिक का, टू डांस एंड हैव फन। Then she is going to receive many gifts, kaise perfumes, leaves, bouquet d'oriel, earrings, necklace, bracelets, bahut sari cheeze, okay, to Manuel hai, uska friend hai Caroline ka, wo Caroline ko gift offer karna chahta hai, but he doesn't know what to do, so wo uski jo best friend hai नैथली उसको फ़ोन करता है, एंड वो उसको कुछ सजेशन देती है। अब वो क्या सजेशन देती है फ़ोन पे, ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी, ओके, सो यहाँ पे टेलीफोन वो डायल करेगा, किस तरह से नंबर बोलेगा मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, और उन दोनों के बीच में क्या बात होती है वो आप खुद फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो दिस इज़ द नॉर्मल समरी ऑफ द पैसेज आई टोल्ड यू। Now have a look, मैंने आपके लिए देखिए vocabulary table भी बना दिया है, इस तरह से आप vocabulary table बनाएंगे, कॉपी में लिखेंगे और इसको देख के आप ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर डिफ़िकल्टी होती है यू कैन कॉल मी
अदरवाइज़ कल जब मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लूँगी तो एक बार ये क्वेश्चन आंसर्स मैं फिर से डिस्कस करूँगी, ठीक है। सी चिल्ड्रेन, फोर्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है तिरुवे ले कंथ्रर द्युतेक्स, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे नहीं है टेक्स्ट में, तो उसकी मीनिंग्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपके बुक में पीछे मीनिंग दिए हुए हैं, तो मैं आपको वो बुक का पेज भी PDF बना के सेंड कर दूँगी, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द गिव एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ओके। सो ये आप करके देखिएगा और कल हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपको जो काम है मैंने बताया, वोकैबलरी लिस्ट आपको बनानी है और जो मैं आपको रिटर्न वर्क सेंड कर रही हूँ रिलेटेड टू ग्रामर वो करना है। लैंग्वेज SMS ये वर्ड्स आपको लिखने हैं, इसे आप छोड़ दीजिए कल करेंगे। और कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड आउट द डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, पार्टिसिपेटिव आर्टिकल्स, कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स, ओके, एंड ये ER, IR एंडिंग वर्ब्स हैं, RE एंडिंग वर्ब्स हैं, इनके कॉन्जुगेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये कॉन्जुगेशंस आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, पजेसिव, मौमा, तोता, ओके, यू नो। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल जब मैं आपकी क्लास लूँगी तो इनकी आपको एक बार आंसर्स भी डिस्कस करेंगे हम, और नेक्स्ट भी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगी, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ लुक, डू इट वेरी केयरफुली बिकॉज नाउ इट्स गोइंग टू लिटिल बिट डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन, तो आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज़ करनी है, ठीक है। सो प्लीज़ डू योर वर्क ऑन द नोटबुक एंड tomorrow we will have the new question answers. Ava Adama.